ऐसी थी शाहिद कपूर और प्रियंका चोपड़ा की लव स्टोरी। इस घटना के बाद देसी गर्ल करने लगी थी अभिनेता को इग्नोर। अभिनेता शाहिद कपूर और देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा के रिश्ते की चर्चाएं हिंदी सिनेमा के सबसे चर्चित प्रेम कहानियों में से एक रही है। उन्होंने जब एक दूसरे के साथ आने का फैसला किया और जब एक दूसरे से अलग होने का फैसला किया, वह हमेशा से सुर्खियों में बने रहे। बात उस सुबह की है जब शाहिद कपूर रात की पार्टी के बाद प्रियंका चोपड़ा को शॉर्ट में अपने घर छोड़ने के लिए आए। उसी दिन एक आयकर विभाग के अफसर ने प्रियंका के घर पर आकर तहकीकात की। इन दोनों घटनाओं ने एक साथ उनके प्रशंसकों को सकते में ला दिया था। इन दोनों के रिश्ते की चर्चा पूरे सिनेमा जगत में होने लग गई थी। उस दिन की घटना के बाद प्रियंका चोपड़ा ने शाहिद कपूर को अनदेखा करना शुरू कर दिया था और वह अपनी व्यस्त दिनचर्या का हवाला देकर उनसे मिलने से कतराने लगी। शाहिद ने भी अपने दोस्तों से प्रियंका पर नजर रखने के लिए कहा, हालांकि उनके दोस्तों ने इस पचड़े में पड़ना जरूरी नहीं समझा। फिर प्रियंका चोपड़ा की बिल्डिंग में रहने वाले एक व्यक्ति ने शाहिद को प्रियंका की बेवफाई के बारे में बताया। शाहिद ने खबर मिलने के बाद तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उन्हें पता था कि इंडस्ट्री में इसकी चर्चा जल्द ही शुरू हो जाएंगी, इसलिए उन्होंने प्रियंका को छोड़ने का तुरंत फैसला कर लिया। कहा जाता है कि प्रियंका और शाहिद के अलग होने की वजह इन दोनों के अंदर बड़ा अभिनेता बनने की चाहत थी, इसलिए इन दोनों ने अपने ब्रेकअप की खबरों को ज्यादा तूल नहीं दिया। इन दोनों का रिश्ता बहुत कम समय के लिए रहा। ना ही शाहिद ने और ना ही प्रियंका ने कभी अपने रिश्ते के बारे में बात की, लेकिन करण जौहर के शो कॉफी विद करण में शाहिद कपूर ने इसके बारे में हल्की सी चर्चा की। प्रियंका का बिना नाम लिए शाहिद ने करण के शो पर कहा था कि उन्हें किसी ने धोखा दिया था जो आजकल बहुत फेमस है। उन्होंने अपने पिछले रिश्ते के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि प्रियंका के साथ उनका रिश्ता इतना बड़ा नहीं था जितना कि करीना कपूर के साथ रहा।